तो भाई लोग, अभी हम लोग धरवार से थोड़ा सा बाहर हैं, तो हम सर के दूसरी कंपनी आए भाई। बहुत बहुत बड़ा है भाई, ज़्यादा ज़्यादा देखो, काफ़ी अलग अलग, ये अलग डिजाइन है, इसका अलग डिजाइन है। तो गाइस अभी हम लोगों का जंगल ख़त्म ही नहीं हुआ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अंकित कर ब्रो। स्वागत है वापस से हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज की बात करूं तो आज हम लोग निकल गए हैं केरल के लिए। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम केरल कल जाने वाले हैं, तो आज हम सुबह ही बिल्कुल 5 बजे ही हम लोग सुबह ही निकल गए। तो अभी हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह 9 बजे से, और बिकॉज़ मैंने इसलिए शूट नहीं किया बीच में स्टार्टिंग से, ताकि काफ़ी दूर है केरल, हमको बहुत जल्दी यहाँ से जाना है। अभी हमें पहुँचने में तकरीबन 12 बज जाएंगे, रात को 12 बज जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे भारत होटल पे, भारत पैलेस पे। हम लोगों को करना था नाश्ता, क्योंकि सुबह का हम लोग नाश्ता वाश्ता कुछ किए नहीं थे, 5 बजे सुबह ही निकल गए थे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहे गाइस, और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए सर अंदर गए हैं, थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, काफ़ी अच्छा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये केरल का ब्लॉग है तो अच्छा ही रहेगा। तो भाई लोग हमारा हो गया यहाँ पे नाश्ता, और बड़े सर भी हैं, तो हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, नरेश सर और बड़े सर और राहुल भाई मैं। तो अभी काफ़ी लंबा हम लोगों को सफ़र तय करना है, और हम लोग रात को पहुँचने वाले हैं 12 बजे। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ते के लिए रुके थे, तो अभी हो गया नाश्ता। इधर रहे नरेश सर, देखिए बिल्कुल शॉर्ट्स में, और इधर रहे राहुल भाई, देखो बॉडी बिल्डर। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें गाइस, और मज़ा लें, आनंद लें इस सफ़र का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जस्ट अभी हम लोग का नाश्ता वाश्ता हुआ, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। देखिए सामने है हाईवे, तो अभी हम लोग हैं धरवाड़ सिटी के पहले बाहर, मतलब अभी धरवाड़ सिटी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो हम लोग धरवाड़ सिटी से टर्न लेने वाले हैं उडुपी के लिए, तो बने रहे हैं हमारे। तो भाई लोग अभी हम लोग धरवाड़ से थोड़ा सा बाहर हैं, तो हम सर के दूसरी कंपनी आए हैं जो कि धरवाड़ में है। तो यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है बसेस का जो सीटें होती हैं, जो फ्रेम होते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो अभी हम लोग जाते जाते पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले कंपनी घूम लेते हैं। मैं तो नहीं आया था, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो जाते जाते हम लोग यहाँ घूम लेते हैं, सर की ये दूसरी कंपनी है। तो चलो दिखाता हूँ अंदर का कैसा कुछ है। ये होता है सीट बने, तो ये हो रहा है यहाँ पे, देखो बसेस का सीटें बन रही हैं टोटल, देखेंगे तो पूरा टोटल बहुत ज़ोर शोर से चालू है भाई, काफ़ी बड़ी है भाई यहाँ पे भी। तो चारों तरफ लगे हुए हैं भाई, बहुत बहुत बड़ा है भाई। ये देखो 2 सीटर है जो छोटे बसेस में लगती हैं एक साइड में, और ये अलग अलग बसेस की सीट है ना राहुल भाई। ये देखो सब लगे हुए हैं भाई अपने अपने, जो काफ़ी बड़ी है भाई। देखिए तो कैसे रेडी हो रहा है, मतलब अलग अलग बसें की अलग अलग सीटें हैं, जैसे अलग अलग हर डिज़ाइन की अलग अलग होती है ना, उस तरीके से है। मतलब सभी सीटें देखेंगे तो सभी जो भी मेटल बनाया जा रहा है ना, सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब काफ़ी क्वांटिटी में बनाया जा रहा है भाई, ज़्यादा ज़्यादा देखो, काफ़ी अलग अलग, ये अलग डिज़ाइन है, इसका अलग डिज़ाइन है। मतलब जैसे बसेस का अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो चलो भाई अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें लेट हो जाएगा भाई, काफ़ी लंबा रूट है। तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं भाई। तो भाई लोग अभी हम लोग आ गए हैं एलापुर, और थोड़ा मैं जा रहा हूँ मिल्क लेने के लिए, कूल मिल्क पीने के लिए। और ये भाई
कम से कम 3 घंटे हमें लगे हैं भाई, इतना जंगल है ना। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, ज़रा इधर एक अमूल कूल लूँगा पीने के लिए, उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट मैंगलोर के लिए। यहाँ से मैंगलोर तकरीबन 250 किलोमीटर है, तो इधर से लेता हूँ मैं अमूल कूल। भाई अमूल कूल है वाला नहीं, वो दूसरा वाला। हाँ कितने का हो? हाँ 4 दे दो। इलायची वाला है ना? बादाम 4 दे दो। हाँ कोल्ड नहीं है और दे दो। ओ भाई दो ही कोल्ड है। तो भाई मैंने ये ले लिया, जरा हम लोग पियेंगे अमूल कूल, थोड़ा सा पेट में ठंडक बनी रहेगी भाई, क्योंकि काफ़ी लंबा हमें सफ़र करना है ना भाई। तो गाड़ी है अभी हम लोगों की आगे। तो मैंने अच्छा होगा क्या? अच्छा है ना अमूल कूल। अमूल कूल नहीं था उसके पास बहुत सारा। वही रात को 10 बजे निकला था किधर से? डेढ़ बजे हो गए। वो ऐसा रोड नहीं था, जंगल में ही था वो, लेकिन ऐसा 2 घंटे रास्ते में लाइट भी नहीं थी। सिंगल रोड था? हाँ सिंगल रोड था, और थोड़ा सा खराब भी था। मैं मिसेस और टोंगरे साहब उनकी मिसेस बहुत टाइम लगा होगा, घबरा गए। कोई ट्रैफिक ही नहीं, ऐसे ट्रैफिक हो तो चलता है ना। तो गाइस अब भी हम लोगों का जंगल ख़त्म ही नहीं हुआ, 110 के समथिंग हम लोग पार कर चुके हैं, फिर भी अभी जंगली जंगल हैं हम। और ये तकरीबन याना के हम लोग पास में ही हैं, 10 से 15 किलोमीटर के डिफरेंट में, और अभी भी हम लोग जंगल क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जब से हम लोग हुबली से निकले हुए हैं ना, उसके थोड़ी दूर बाद ही जंगल हमें मिला, और अभी भी जंगल ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ा सा वॉशरूम किए और उसके बाद फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, फिर निकलते हैं हम यहाँ से। याना तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं कुमटा, और यहाँ पर हम लोग रुके हैं मंदरा होटल, और यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं देखेंगे तो। और भाई भूख भी लगी है काफ़ी हम लोगों को, तो यहाँ पे अभी हो गया है गाड़ी पार्किंग, और इस होटल में अभी हम लोग खाएंगे खाना। और तकरीबन आधा हम लोगों ने रास्ता पार कर लिया है, और अभी हमको जाना है तकरीबन 400 किलोमीटर, अभी भी 400 किलोमीटर है। तो अभी चलते हैं भाई, इसमें खाना खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। हाँ